आरबीएससी हिंदी ज्ञान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम भाग 6 का प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो श्रृंखला के भाग 5 के अंतर्गत आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, जिस प्रश्न का जवाब है स गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न एक, भवभूति द्वारा रचित ग्रंथ है। अ भावार्थ रामायण, ब महावीर चरित, उत्तर रामचरित, स अवध विलास, द रघुनाथ चरित, दशावतार चरित। प्रश्न का उत्तर है ब महावीर चरित, उत्तर रामचरित। प्रश्न दो, वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की है। अ रामचरण दास, ब नरहरि बारहठ, स अग्रदास और द कृष्णदास पहिहारी। प्रश्न का उत्तर है स अग्रदास। प्रश्न तीन, रामचरित मानस के किस कांड को मानस का ज्ञान कांड कहते हैं। अ उत्तर कांड, ब अयोध्या कांड, स बाल कांड और द लंका कांड। प्रश्न का उत्तर है अ उत्तर कांड। प्रश्न चार, विनय पत्रिका में पद हैं अ 315 पद, ब 119 पद, स 312 पद, द 280 पद। प्रश्न का उत्तर है द 280 पद। प्रश्न पाँच, निम्न में से कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में रचित है। अ रामायण महानाटक, ब हनुमान नाटक, स पौरुषेय रामायण, द उपर्युक्त सभी। प्रश्न का उत्तर है द उपर्युक्त सभी। प्रश्न छः, तुलसीकृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं। अ रामचरितमानस, ब कवितावली, स रामलला नहचू, द जानकी मंगल। प्रश्न का उत्तर है ब कवितावली। प्रश्न सात, राम भक्ति में तत्सुखी के प्रवर्तक है। अ जीवराम, ब रामचरण दास, स किलह दास, द अग्रदास। प्रश्न का उत्तर है अ जीवराम। प्रश्न आठ, तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं अ जीवराम, ब किलह दास, स रामचरण दास और द विष्णु दास। प्रश्न का उत्तर है ब किलह दास। प्रश्न नौ, रामानुज के गुरु कांचीपूर्ण किस वर्ण के थे। अ ब्राह्मण, ब क्षत्रिय, स वैश्य और द शूद्र। प्रश्न का उत्तर है द शूद्र। प्रश्न दस, सूफी संतों की अनलहक की घोषणा किससे मिलती जुलती है। अ एकेश्वरवाद, ब विशिष्टाद्वैतवाद, स द्वैतवाद और द अद्वैतवाद। प्रश्न का उत्तर है द अद्वैतवाद। प्रश्न 11, हमारा आज का अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा है अ पंजाबी, ब अवधी, स ब्रज और द राजस्थानी। इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो भाग में दिया जाएगा।
आशा करता हूं कि आपको यह भाग रोचक लगा होगा। धन्यवाद।